गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कीर्ति परोहा 10th इंग्लिश की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। और बच्चों, हमने आपकी जो टेक्स्ट बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसका इसके प्रीवियस वीडियो में फर्स्ट चैप्टर जो था अ लेटर टू गॉड, उसको अच्छे से समझा था। मुझे आशा है कि आप सब ने उस लेसन को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। और आज हम आपके इसी बुक के अंतर्गत चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है चैप्टर का नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसके ऑथर कौन है? खुद नेल्सन मंडेला है। ये जो पिक देख रहे हैं आप, ये किसकी है? नेल्सन मंडेला की है। अब बच्चों, हम इसके पहले पढ़ना स्टार्ट करें तो आप अपनी टेक्स्ट बुक निकाल लें, उसमें ये चैप्टर निकाल लें। और बच्चों, मैं रीड करूँगी तो आपको रीड करने से क्या होगा कि मैं इसको जब पहले रीड करूँगी तो आपको प्रोनंशिएशन समझ में आएगा, देन उसका हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो बार बार अगर आप इसको वीडियो को 2-3 बार रिपीटेडली देखेंगे तो आपको वो चैप्टर और लेसन अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। बिफोर यू रीड, मतलब हम इस चैप्टर को समझने के पहले कुछ थोड़ा सा उसकी जो प्रस्तावना है वो समझें। अपार्टाइड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। कैन यू से विच ऑफ द 3 कंट्रीज नेम्ड बिलो हैड सच अ पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। अब अपार्टाइड मतलब रंग भेद। तो रंग भेद जो था वो एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था रही है पहले, कि लोगों को उनके रंग के आधार पर, उनकी प्रजाति के आधार पर उनमें क्या किया जाता था? भेदभाव किया जाता था। क्या तुम समझ सकते हो कि ऐसे कौन से 3 देश हैं जिनके नाम नीचे दिए हुए हैं, उसमें अभी भी ये व्यवस्था चल रही है? क्या रंग भेद व्यवस्था अभी भी चल रही है? तो उनमें 3 कंट्रीज के नाम हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, 2nd है साउथ अफ्रीका और 3rd है ऑस्ट्रेलिया। हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्टाइड। अब बोल रहे हैं, क्या आपने नेल्सन मंडेला का नाम सुना है? नेल्सन मंडेला और उसकी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, यानी उसकी अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के बारे में, जिन्होंने अपना पूरा जीवन किसके विरुद्ध संघर्ष में बिता दिया? रंग भेद की नीति को समाप्त करने के लिए पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन। अब मंडेला ने अपने 30 साल जेल में बिताए। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994। मतलब आखिरकार प्रजातांत्रिक जब चुनाव हुए साउथ अफ्रीका में 1994 में, एंड मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन। और उस समय जो नेल्सन मंडेला थे वो पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे उस नए देश के लिए। मतलब इसके पहले क्या हुआ कि वहाँ पर जो गोरे लोगों थे उनका शासनकाल चलता रहा, और रंगभेद नीति के कारण कोई भी अश्वेत व्यक्ति जो था वो वहाँ पर प्रजातांत्रिक अधिकारों को प्राप्त नहीं कर सका था। सिर्फ नेल्सन मंडेला ही ऐसे प्रथम थे जिन्होंने प्रजातांत्रिक इलेक्शन को जीत करके और नए प्रेसिडेंट वहाँ के नियुक्त हुए थे। In this extract from his autobiography, Long Walk to Freedom, Mandela speaks about a historic occasion, the inauguration. Can you guess what the occasion might be? Check your guess with this new item from BBC of 10th May 1994. अब यहाँ पर बोल रहे autobiography. Autobiography यानी खुद की आत्मकथा, उसको autobiography बोला जाता है। तो ये जो एक्सट्रैक्ट, ये जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, किस चीज़ का अंश है? उनकी लिखी हुई ऑटोबायोग्राफी। और उनका नाम क्या था उस ऑटोबायोग्राफी का? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी स्वतंत्रता के लिए लंबा संघर्ष या लंबा चलना। मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेजन। उस समय जब ये अंश चल रहा था तो उस समय एक बहुत ऐतिहासिक पल था, द इनॉग्रेशन, मतलब जब वो प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त हुए वहाँ के, तो उस समय जो उद्घाटन का अवसर था उस समय का ये वर्णन यहाँ पर चल रहा। क्या तुम बता सकते हो कि ये कौन सा ओकेजन था? अच्छा, तुम इसके बारे में पता लगा सकते हो 10 मई 1994 की BBC न्यूज़ के दौरान। तो बच्चे, इतना समझ में आया? चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट उसमें। मंडेला बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। अब मंडेला जो थे वो क्या बने? पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने, कहाँ के? साउथ अफ्रीका के। नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन
सेंचुरीज ऑफ व्हाइट रूल। अब यहाँ क्या बोल रहा है कि जो नेल्सन मंडेला थे वो प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति बने 30 सालों के सत्ता शासन के बाद। किसका सत्ता में शासन था? व्हाइट रूल यानी श्वेत लोगों के शासन के उपरांत 30 वर्षों के बाद यानी 3 दशकों के बाद क्या बने वो राष्ट्रपति वहां पर नियुक्त हुए। मिस्टर मंडेला अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC पार्टी वॉन 252 ऑफ द 400 सीट्स इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस ऑफ साउथ अफ्रीकाज हिस्ट्री। जो मिस्टर मंडेला थे उनकी जो पार्टी थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी, उन्होंने 400 सीटों में से 252 सीट प्राप्त किए और ये पहला प्रजातांत्रिक चुनाव था साउथ अफ्रीका के इतिहास में। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एम्फीथिएटर इन प्रिटोरिया टुडे, अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटिफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। अब उस समय क्या था, एक इनाग्रेशन सेरेमनी थी, उद्घाटन समारोह टाइप का था, जिसमें वो यूनियन बिल्डिंग में हो रहा था जो कि प्रिटोरिया में थी। एम्फीथिएटर, एम्फीथिएटर मतलब ऊपर उसमें छत नहीं होती लेकिन बैठने के लिए पूरी सीट्स अरेंज रहती है। तो प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग के अंदर वो सेरेमनी, वो समारोह आयोजित हो गया था। और वहाँ पर किस किस लोगों ने अटेंड किया था? पॉलिटिशियन बहुत सारे, राजनीतिक लोग बहुत सारे, विशिष्ट अतिथि जो कि 140 देशों से आए थे पूरी दुनिया के, यानी पूरी दुनिया के 140 देशों से जो सम्माननीय पॉलिटिशियंस और अतिथि आए थे वो सब उस यूनियन बिल्डिंग में इकट्ठे थे। जब नेल्सन मंडेला उसको एड्रेस कर रहे थे यानी संबोधित कर रहे थे, तब उन्होंने कहा, नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटिफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। उन्होंने कहा, नहीं, कभी नहीं, ये जो सुंदर धरती है मेरे यहाँ की, यहाँ पर कोई भी एक दूसरे के शोषण का शिकार नहीं होगा, कोई भी एक दूसरे से भेदभाव नहीं कर पाएगा, ऐसा नेल्सन मंडेला ने कहा। जुबिलेंट सीन ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया फॉलोड द सेरेमनी विद ब्लैक्स, वाइट्स एंड कलर्ड सेलिब्रेटिंग टुगेदर। वहाँ की प्रिटोरिया की जो सड़कें थी वहाँ पर बहुत ही सुहावना दृश्य था, लोग बहुत अच्छे आनंद मना रहे थे और वहाँ पर अश्वेत लोग, श्वेत लोग और बहुत से कलर्ड लोग मतलब अन्य प्रजातियों के लोग भी वहाँ पर आपस में मिलकर के इस ऐतिहासिक पल का आनंद ले रहे थे। मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रंस ऑफ ऑल रेसेस सेंग एंड डांस्ड विद जॉय। और 1 लाख से भी ज़्यादा लोग क्या कर रहे थे, जिसमें महिलाएं, पुरुष और बच्चे सब गाना गा रहे थे और खुशी के मारे नृत्य कर रहे थे। नेक्स्ट देखें बच्चों, 10th May dawn ब्राइट एंड क्लियर। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लेजेंटली बिसाइड बाय डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट्स बिफोर द इनॉग्रेशन। The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि 10th में डाउन ब्राइट एंड क्लियर, 10 मई की जो सुबह थी वो कैसी थी, बहुत ही चमकीली और स्वच्छ थी। मतलब उस दिन की जो सुबह थी, जो दिन था, क्योंकि वो बहुत स्पेशल डे, तो स्पेशल डे तो हमेशा स्पेशल ही होता है, तो बहुत ही चमकीली और स्वच्छ थी। फॉर द पास्ट फ्यू डेज मतलब कुछ दिनों से, पिछले कुछ दिनों से आई हैड बीन प्लीजेंटली डिसाइडेड यानी चारों तरफ से घिरा हुआ। तो उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों से मैं बहुत सारे गणमान्य लोगों से और दुनिया के विशेष अतिथियों से, नायकों से घिरा हुआ था और वो मुझे इस चीज़ के लिए अपनी रिस्पेक्ट, अपनी विशेष मुझे दे रहे थे। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग ईवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। और साउथ अफ्रीका की धरती पर यह पहला ऐसा फंक्शन था जिसमें बहुत सारे इंटरनेशनल जो नायक थे, अतिथि थे, वो सब वहाँ पर आए हुए थे। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फी थिएटर फॉर्म बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। अब ये जो कार्यक्रम, ये जो समारोह था वो कहाँ हो रहा था, सैंड स्टोन एम्पी थिएटर मतलब बलुआ पत्थर से बना हुआ जो एम्पी थिएटर था वहाँ पर, यूनियन बिल्डिंग जो कि प्रिटोरिया में थी वहाँ पर हो रहा था। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस
फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। अब यहाँ पर नेल्सन मंडेला कहते हैं कि वो जो सुबह थी वो बहुत अच्छी थी, और वहाँ पर यूनियन बिल्डिंग जो कि प्रिटोरिया में थी, वहाँ के एमपी थिएटर में बहुत बड़ा जमावड़ा हुआ, ये समारोह आयोजित हुआ। और वो ये याद करते हैं कि कुछ पिछले कुछ दशकों में यहाँ पर सिर्फ कौन लोग रहते थे, इन सीटों पे कौन दिखता था, श्वेत लोग दिखते थे, गोरे लोग दिखाई दिया करते थे। लेकिन आज कौन सा दिन है, आज रेनबो कलरिंग, रेनबो कलरिंग मीन्स यहाँ पर हर वर्ण, हर कलर का, हर जाति का व्यक्ति दिखाई दे रहा था, यानी इंद्रधनुषी घटा उपस्थित हो रही थी कि सारे लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए थे। और ये पहली अप्रजातिक जो नॉन रेशियल गवर्नमेंट यानी अप्रजातिक सरकार का गठन हुआ था। ऑन द लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉटर जेनानी। ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लर्क वॉज द फर्स्ट स्वॉन इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट। अब बोलते हैं कि उतना सुंदरतम दिन के दिन मैं अपनी बेटी, उनकी बेटी का नाम था जेनानी, ये क्वेश्चन आ सकता था कि नेम द मंडेलाज डॉटर, तो वहाँ पर आप देखोगे कि उनकी डॉटर का नाम था जेनानी। और पोडियम, पोडियम वो है जिस पर खड़े होकर स्पीच दी जाती, वो स्टैंड रहता है, तो वहाँ उन्होंने बताया कि मैं उस दिन अपनी पुत्री जेनानी के साथ था। और पोडियम पर मिस्टर डी क्लर्क जो थे, जो कि पहले शपथ ग्रहण कर रहे थे एज अ सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट, अर्थात द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में मिस्टर डी क्लर्क शपथ ले रहे थे। देन आगे देखें बच्चों, ये मंडेला जी की पिक है। देन थाबो मबेकी वॉज स्वॉर्न इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। उसके बाद थाबो मबेकी जो थे उन्होंने प्रथम उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली। When it was my turn, और अब मेरी बारी थी, I pledged to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and its people. अब बोलते प्लेज यानी खुशी, और कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान। मुझे खुशी हो रही थी कि मैं उसको क्या करूँगा, ओबे करूँगा, उसको फॉलो करूँगा, उसको मानूंगा और अपना पूरा जीवन जो है उसके लिए समर्पित कर दूंगा। किस चीज़ के लिए, वहाँ के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा और पालन के लिए और वहाँ के लोगों के लिए। टू द असेंबल गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, और वहाँ पर जो इकट्ठे हुए अतिथि थे और पूरा विश्व जो इस घटना को देख रहा था, मैंने कहा। अब क्या कहा उन्होंने, यहाँ पे देखिए, कन्फर अ फॉर्मल वर्ड हेयर गिव हु वर आउटलॉज बिकॉज ऑफ इट्स पॉलिसी ऑफ अपार्टहाइड मैनी कंट्रीज हैड अर्लियर ब्रोकन ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन विथ साउथ अफ्रीका। अब यहाँ देखें, अब मंडेला जी कह रहे हैं, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय अवर प्रेजेंस हेयर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बोर्न लिबर्टी आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ द एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी बोर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमेनिटी विल बी प्राउड। बोलते हैं आज के दिन में हम सब यहाँ इकट्ठे हैं और मुझे खुशी हो रही है कि हम एक नवजात स्वतंत्रता के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो इसके पहले ह्यूमन डिजास्टर मतलब लोगों का जो शोषण होता रहा, रंग भेद की जो नीति अपनाई जाती रही, उन सबसे हम अलग हो चुके हैं। अब हमने एक ऐसे समाज का गठन किया है जिसमें मानवता ही सबसे गर्व करने वाली वस्तु होगी। वी हु वर आउटलॉज Not so long ago, have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world of our own soil. We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity. वी हुवर आउटलॉज, आउटलॉज मतलब नियमों के विरुद्ध जाना। जब उन्होंने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया तब वो आउटलॉज थे यानी बागी कहलाए, तो हम लोग इसके पहले क्या कहलाए जाते थे, बागी कहलाए जाते थे। हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन अवर ओन सॉइल, और हमारी इस धरती पर आज हमें एक विशेषाधिकार प्राप्त हुआ, एक दुर्लभ विशेषाधिकार प्राप्त हुआ कि हम पूरी दुनिया का यहाँ पर उसको इकट्ठा कर सकते हैं और उसका सम्मान कर सकते हैं।
वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट। हम यहाँ पर उपस्थित जितने भी हमारे अंतर्राष्ट्रीय अतिथि हैं, गणमान्य अतिथि हैं, उन सबको धन्यवाद देते हैं। किस चीज़ के लिए? कि हमारे देश को किस चीज़ के लिए मिला है, जो सम्मान मिला किस चीज़ के लिए? कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, न्याय के लिए, फॉर पीस, शांति के लिए, फॉर ह्यूमन डिग्निटी और मानवीय महिमा के लिए जो हमको अधिकार मिला है, उसके लिए हम सबको धन्यवाद देते हैं। नेक्स्ट देखें, यहाँ पर एक सेरेमनी का दृश्य दिखाया हुआ है बच्चों। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड अवर पॉलिटिकल एमेंसिपेशन। वी प्लेज अवर सेल्फ टू लिबरेट ऑल अवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डेप्रावेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। नेवर, नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटिफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। लेट फ्रीडम रिजाइन। गॉड ब्लेस अफ्रीका। अब मंडेला जी कह रहे हैं कि एट लास्ट, अंत में हमने पॉलिटिकल एमेंसिपेशन, मतलब राजनीतिक जो मुक्त बंधता थी, बंधन था जो उनके ऊपर राजनीतिक प्रभाव था, उससे हमने मुक्ति प्राप्त कर ली है। हम प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम सभी लोगों को, उनको किसी भी प्रकार के उत्पीड़न में, किसी भी प्रकार की गरीबी में, सफरिंग, किसी प्रकार के दुखों से, लिंग भेद के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव यहाँ पर अब नहीं करेंगे। नेवर नेवर, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, इस सुंदर धरती पर कभी भी लोग एक दूसरे के उत्पीड़न का अनुभव नहीं करेंगे। मतलब लोग किसी भी प्रकार से एक दूसरे को शोषित या उसको उत्पीड़ित नहीं करेंगे। सब एक समान जीवन जीना सीखेंगे। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। और मानव की इस उपलब्धि का जो सूर्य है वो कभी भी सेट, यानी कभी भी अस्त नहीं होगा। लेट फ्रीडम रेजिन। गॉड ब्लेस अफ्रीका। अब आज़ादी को शासन करने दो, आज़ादी का शासन रहने दो। ईश्वर अफ्रीका को अपना आशीर्वाद प्रदान करे। नेक्स्ट देखें बच्चों, अ फ्यू मोमेंट्स लेटर वी ऑल लिफ्टेड अवर आईज इन आव एज अ स्पेक्टेकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप कैरियर्स रोअर्ड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. अब यहाँ बोलते हैं, कुछ समय बाद जब हम लोगों ने अपनी आंखें ऊपर देखी तो हमने देखा कि बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से जो जेट हैं, हेलीकॉप्टर हैं, ट्रूप कैरियर हैं, वो सब बहुत ही अच्छे तरीके से एक प्रॉपर मैनर में यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से उड़ रहे थे। ना सिर्फ वो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे मिलिट्री फोर्स का, बल्कि वो इस फ्रीली और फेयरली, यानी स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनी गई गवर्नमेंट के प्रति अपना क्या प्रदर्शित कर रहे थे, अपना एक भाव प्रदर्शित कर रहे थे कि वो उसके लिए बहुत लॉयल हैं। ओनली मोमेंट बिफोर द हाईएस्ट जनरल ऑफ द साउथ अफ्रीका डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, देयर चेस्ट बैट Act with ribbons and medal from day gone by, saluted me and placed their loyalty. अब इसके पहले क्या हुआ था, जो साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस का जो हाईएस्ट जनरल था, जो कि प्रॉपर रिबन लगाए हुए था, मेडल्स लगाए हुए था, वो आया और उसने मुझे अपनी उसकी लॉयल्टी की प्रतिज्ञा ली। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मैनी ईयर बिफोर They would not have saluted, but arrested me. और उन्होंने सोचा, नेल्सन मंडेला ने, कि यदि ये चुनाव नहीं हुए होते तो मैं तो बागी था, और मैं बागी था तो उस समय ये जो जनरल था ये मुझे सैल्यूट नहीं करता, क्या कर लेता, अरेस्टेड मी, मुझे गिरफ्तार कर लिया होता इसने। फाइनली अ शेवरॉन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट अ स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक रेड ग्रीन ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। और लास्ट में एक इम्पाला जेट जो था, उसके धुएं से उसने कितने कलर बनाए, काला, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड, मतलब काला, लाल, हरा, नीला और सुनहला कलर
बनाया बिल्कुल जस्ट लाइक न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग की तरह, जैसे कि नए साउथ अफ्रीका के झंडे में दिखाया जाता है। यहाँ देख रहे हैं आप किस प्रकार से साउथ अफ्रीकन जो हैं वो उस दिन अपने आप में हर्ष के साथ नृत्य और गीत गा रहे थे। यहाँ पर देखो ये साउथ अफ्रीकन फ्लैग का, नए साउथ अफ्रीकन फ्लैग का बताया हुआ है कि इसमें क्या कौन कौन से कलर हैं, ब्लैक, गोल्ड, ग्रीन, रेड एंड वाइट। द डे वॉज सिम्बोलाइज फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ अवर टू नेशनल एंथम्स एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग नकोसी सिकेल आई अफ्रीका एंड ब्लैक सिंगिंग डायस्टेम द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक। ऑल दो द डे नीदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम दे वंस डिस्पाइज्ड, दे वुड सून नो द वर्ड बाय हार्ट। उन दिन बोले कि उस दिन जो दिन था वो कैसे सिंबॉलिक हुआ कि उसमें दो नेशनल एंथम गाई गई। पहली एंथम कौन सी थी, जब पुराना शासन काल था गोरे लोगों का, उस समय की जो नेशनल एंथम जो गाना था वो क्या था, जो कि वाइट लोग गाया करते थे, नकोसी सिकेल आए अफ्रीका। और उसके बाद दूसरी जो ब्लैक सिंगिंग जो अश्वेतों की थी वो डायस्टेम। तो जो पुरानी एंथम थी, राष्ट्रगान था, वो तो इजीली गा लिया गया, लेकिन जो नई वाली राष्ट्रगान थी डायस्टेम, ये कैसी थी, अभी लोगों के उस पर जुबां पर नहीं चढ़ी थी, लेकिन धीरे से ही लोग बाइस को अपने हृदय से याद करके गाने लगेंगे, ऐसा मंडेला जी ने कहा। तो बच्चों ये आज था चैप्टर का कुछ अंश। इसके बाद सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तब तक आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ें, समझें और याद करें।